शिट शिट सारी बुक्स भीग गई होंगी। नहीं नहीं पहले कपड़े बदल, सोफा गीला हो जाएगा। बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मम्मी। नीचे बैठ जाती हूँ। अच्छा वो मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ। हाँ बस करेले तोरी लौकी मत लेकर आना, रोज रोज यही खिलाती हो। हाँ तो सीजन की सब्जियां हैं और क्या खाएगी। चल बाकी मैं देख लूंगी और कुछ। बारिश हो रही है बाहर, वो जरा छाता दे जो मैंने सुबह दिया था तुझे। छाता? हाँ छाता ही बोला है मैंने। हाँ बैग ही में होगा और कहाँ होगा, है ना मम्मी। एक मिनट। हाँ तो जल्दी दे, वापस आके खाना भी बनाना है, तेरे पापा जी आते ही होंगे। मम्मी आप ऐसा करो, आप खाना बना दो, मैं सब्जी ले आऊंगी। सब्जी नहीं है तभी लेने जा रही हूँ, तू छाता दे फटाफट। अच्छा छाता नहीं है क्या? क्यों नहीं है मम्मी? बस बस एक मिनट दो मुझे। अच्छा नेहा वो ब्राउन कलर का छाता जो है तेरे पास रह गया क्या मेरा? आज मैं कोचिंग कहाँ गई थी यार। अच्छा अच्छा क्या? अच्छा अच्छा मम्मी मैं छाता लेकर लेकर गई थी मैं। ये सीजन का पांचवा छाता था तेरा, ये भी खो दिया। मम्मी बस एक मिनट दो मुझे, मैं कोचिंग में कॉल करके पूछ लेती हूँ, है ना। अरे नहीं यार कर लिया था मैंने। दीप जरा इंटरनेट पे मौसम चेक करियो, वैसे तो साफ ही लग रहा है, अच्छी खासी धूप निकल रही है। सोच रही हूँ धो ही देती हूँ गेहूँ, फिर पता नहीं कब धूप निकले, है ना। हाँ मम्मी साफ ही होगा, धो दो आप गेहूँ। हाँ फटाफट धो के सुखा देती हूँ। था तो मैंने किया ही नहीं यार, उसके बाद नहीं किया था। ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना किया कोई श्रृंगार, फिर भी कितनी अच्छी हो। मम्मी बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश आ गई? हाय मेरे गेहूं, इस मौसम का भरोसा है कोई? और तुझसे कहा था ना मैंने चेक करने के लिए, मम्मी गेहूं भीग जाएंगे। हाय मेरे गेहूं। आंसू गई मैं। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ये रेनकोट क्यों पहन रखा है? आज तो मौसम साफ है और दूर दूर तक कोई बारिश नहीं आने वाली। अरे मम्मी वो बस थोड़ी देर के लिए है, मैंने न्यूज में भी चेक करा फुल ऑन बारिश आज, और मैंने गूगल पे भी चेक करा फुल ऑन बारिश, इसलिए मैं फुल तैयारी के साथ। बेटा धूप निकल रही, कहां से लग रही है तुझे बारिश आएगी? सुन तो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। आए हाय कितनी टट्टी धूप पड़ रही है, गूगल पे तो दिखा रहा था कि हैवी रेन होने वाली है। निकल ले दीप, सब तुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे। मैंने रेनकोट निकाल के रख दिया और ये ले छाता, मौसम खराब होगा आज। अरे मम्मी आज ना बिल्कुल बारिश नहीं आने वाली, मौसम बिल्कुल साफ है, कल भी नहीं हुई थी आज भी नहीं होगी। ओ लड़की सुन तो ले। बुक्स तो बच गई कम से कम। एकदम से कितनी तेज बारिश आ गई थी, अच्छा हुआ पास में पेड़ था, हम उसके नीचे खड़े हो गए। अब भी समझ में आ रही है पेड़ की इम्पोर्टेंस, और पेड़ के नीचे खड़े हो गए कितना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा आए, इतना सुकून, ऐसा लग रहा था कि ये बारिश कभी खत्म ही ना हो। और तुझे पता है मैं तो मम्मी को बोल ही रही थी कि आज बारिश होगी, पर वो मेरे ओपिनियन कभी सुनती ही कहाँ है, अपनी चलाती है बस। और अगर मैंने पॉकेट मनी के लिए थोड़े पैसे मांग लिए ना बस, फिर तो उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो तू गलत जगह अपने ओपिनियन देती क्यों है, वो भी फ्री में। प्रोवो यूज कर, वहां अपने ओपिनियन दे। प्रोबो? यस प्रोबो, यहाँ पर 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने ना 1,00,000 से ज्यादा कमाया, और ये ना इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसपे तू ना बहुत इजीली यस और नो करके पैसा कमा सकती है। और वो कैसे? 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ना प्रोवो पर हजारों और कुछ ने तो लाखों कमाए हैं। देख सिंपल, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके साइन अप कर
और तुझे 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। साइन अप करने के बाद ना तुझे बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी, जैसे न्यूज, फाइनेंस, बॉलीवुड, स्टार्टअप, फन, वेदर फोरकास्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत कुछ। पर इसे यूज कैसे करते हैं? देख सिंपल, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, क्या कैटरीना कैफ और विकी कौशल कॉफी विद करण सीजन 7 में आएंगे? और मुझे लगता है यस, तो मैं यहाँ अपने हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी चूज करके अपना आंसर सबमिट कर सकती हूँ। और अगर तू अपने ओपिनियन पे ज़्यादा श्योर है तो ज़्यादा क्वांटिटी सेलेक्ट करके ज़्यादा अर्न कर सकती है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा रिटर्न। हाँ, अब देख तू, मम्मी से ना पॉकेट मनी की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, यहाँ ओपिनियन सही होते ही तेरा प्रॉफिट का पैसा तू पेटीएम और UPI के थ्रू बहुत ईजिली विड्रॉल कर सकती है। और पैसा कमाने के साथ साथ तेरी GK भी इंक्रीज होगी, तो पैसा भी कमा और नॉलेज भी बढ़ा। ठीक है, मैं अभी डाउनलोड करती हूँ। एनीवेज, तुझे याद है जब बचपन में कभी बारिश होती थी, हम पूरी कॉपी के पेजेस खत्म कर दिया करते थे नाव बना बना कर, और उसे वहाँ चलाते थे जहाँ बारिश का पानी जमा होता था। कितना मजा आता था। तुझे पता है, बारिश आते ही ना मैं तो सबसे पहले नाव बनाती थी और फिर उस पर करती थी पेंट, ताकि मेरी नाव ना सबसे अलग दिखे। पर जब मैं उसे पानी में डालती थी ना, सारा कलर निकल जाता था और सब मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ बच्चों, आज क्लास नहीं गए तुम? अरे मम्मी, जाते जाते ना बारिश आ गई और फिर सर का कॉल भी आ गया कि सारे बच्चे नहीं आएंगे, तो उन्होंने क्लास ही कैंसिल कर दी। चलो फिर गरम गरम चाय पकौड़े खाओ, गपशप करो और एंजॉय करो। बारिश ने भी थका रखा है, कभी कपड़े उतारो कभी सुखाओ, उतारो सुखाओ। मम्मी, अभी जब हम रास्ते में जा रहे थे ना, एक बंदा बाइक चला कर जा रहा था छाते के साथ, और इतनी तेज हवा चली उसका छाता उल्टा हो गया और छाते को संभालने के चक्कर में ना वो खुद ही नाले में गिर गया। 40 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इलाके में भीषण गर्मी पड़ रही, लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया। बताओ कितनी आग बरस रही है, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, इतनी गर्मी पड़ रही है। पेड़ पौधे सूख गए, पशु पक्षी प्यासे घूम रहे हैं, लेकिन भगवान को जरा नजर नहीं आ रहा कि थोड़ी बरसात कर दूं, ठंडा हो जाएगा, लोगों को राहत मिल जाएगी। पिछले कई घंटों में मुंबई शहर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। गुरुवार की सुबह से ही शहर के कई इलाकों में तेज रफ्तार बारिश का सिलसिला जारी है। भगवान जी ने तो बिल्कुल हद ही कर दी, 3 दिन हो गए लगातार बरसात होते हुए, लेकिन रुक नहीं रही है। हर जगह पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, लोगों के घर डूब गए हैं, बेघर हो गए हैं लोग, लेकिन भगवान तो बिल्कुल निर्दयी होके बैठा है। अरे जब ऊपर वाले ने मारना ही था तो जन्म ही क्यों दिया? इंटरनेट बंद कर, TV का स्विच ऑफ कर, गया सारी लाइटें बंद कर, फटाफट कर। मम्मी मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐवी कहीं पर नहीं गिरती है बिजली, और टेक्नोलॉजी ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। और ये आपके फालतू के जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं ना व्हाट्सएप पे, इन्हें देखना बंद कर दो, ये ना कुछ भी छेपते हैं। मम्मी कहाँ हो यार? मम्मी, हाँ क्यों गला फाड़ रही है? मम्मी खाली बैठी रहती है क्या तुम्हारी तरह? यहाँ अलमीरा में क्या कर रही हो? कपूर की गोलियाँ डाल रही हूँ, बदबू आ जाती है ना कपड़ों में, इस मौसम में खराब होने का भी तो डर रहता है। ये ले, रजाई गद्दों में भी डाल करा, बाद में कर लेना, पहले खाना दे दो प्लीज। आ रही हूँ, खाना भी लेके नहीं खाया जाता तुमसे। मम्मी खाना दे दो। क्या ये जूते हैं मम्मी? और क्या? हाँ तो क्यों हैं? अब मेरे जूते हैं तो घर में तो होंगे ना मम्मी, तुम भी ना। रुक जा तू, मेरा मतलब मम्मी बाहर कीचड़ हो रखी थी तो गंदे हो गए। जब पता है बारिश का मौसम चल रहा है तो बाहर सफेद जूते पहन के जाना जरूरी है। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा, मिल जो रखी है फ्री की नौकरानी जिंदगी भर के लिए। चिल करो ना मम्मी, मैं वॉश कर दूंगी, कोई बात नहीं। कर दूंगी नहीं, कर अभी कर, चल। कर रही हूँ। अच्छा सुन, चल ना वॉक के लिए चलते हैं, देखना कितना प्यारा वेदर हो रहा है, हल्की हल्की पानी की बौछार, हाय हाय, आई जस्ट लव दिस वेदर, पिक्चर्स भी लेंगे, हैशटैग मॉनसून वाइब्स। मॉनसून वाइब की बच्ची बाहर जाके जो पिक्चर्स क्लिक करेगी ना वो अपलोड भी नहीं कर पाएगी, बारिश के पानी में भीग कर ना सारा फोन खराब हो जाएगा। अरे पॉलिथिन में रख लेंगे यार, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैडम पॉलिथिन में रखने के बाद भी ना खराब हो जाएगा, और अगर गलती से ज्यादा बारिश आ गई ना बस फिर तो हमारे कपड़े भी गीले हो जाएंगे। और तुझे पता है मैंने आज ही हेड वॉश किया है यार, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी।
हाय कैसी लड़की है तू, तुझे बारिश नहीं पसंद? पसंद है यार, पर घर में बैठ के टीवी के सामने आराम से चाय और पकौड़े खा के। हाय पर असली मजा तो बाहर जाकर ही है ना। हाय वो गीली गीली मिट्टी की खुशबू। हाँ और वो ही गीली मिट्टी छप छप करके जब तुम चलते हो तुम्हारे जीन से चिपक जाती है ना। लेकिन ग्रीनरी भी तो होती है, देख सब कुछ हरा भरा हो जाता है, पॉल्यूशन भी खत्म, फ्रेश एयर। टर 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 वो मेंढक, गाने सुनने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, है ना। और ऊपर से वो केचुए कहीं से भी निकल जाते हैं। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता मॉनसून हेटर, अब तू रख फोन घर में बैठ, मैं जा रही हूँ अकेले। अच्छा सुन सुन, एक शर्त पे चलूंगी, वो टपरी वाले ना गरम गरम समोसे खिला दियो। अरे तू चाय भी पी लियो, पिला दूंगी। नहीं नहीं चाय नहीं पीती मैं, पर हाँ बारिश हो गई और मौसम थोड़ा अच्छा हो गया तो पी लूंगी मैं। चल फटाफट आ जाओ और पॉलिथीन रख लियो। ओके चल ठीक है। और ऊपर से वो केचुए कहीं से भी निकल जाते हैं। ये तो सबका बाप है। जब तक पानी ना सूखे बाहर ही रहे। मम्मी यार कैसा छाता दे दिया आपने, होल हो रहा था इसमें, बाहर बारिश से भी बचो और इसके होल से भी बचो। हाँ पिछले साल का तो रखा होगा, चूहों ने काट दिया होगा, और तू वहीं रुकियो जब तक अच्छे से पानी ना सूखे। अच्छ तुझे तो अच्छे से जानती हूँ मैं, छाता छोड़कर नाचने लग गई होगी बारिश में, अब लग गई ना ठंड। फटाफट कपड़े बदल, मैं चाय बना के लाती हूँ गरम गरम, यूं खत्म हो जाएगा जुकाम। यार कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, मम्मी तो बना के नहीं देगी और मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अच्छा सुन मंचूरियन खाएगा? नहीं। चिली भुख नहीं मैनु, हुने खाना खांदा मैं। अच्छा चल लेके तो आ जाएगा ना, दिस नहीं रहा तेनु, बार मी पेंदा। हाँ बारिश तो पड़ रही है, तू छाता लेकर चला जाना भाई प्लीज। ले आ जीते पुत्र, कूलर में पानी भर दे जरा। मम्मी यार कूलर के पानी में बदबू आ जाती है, हम एसी चलाते हैं ना जब तक बारिश आती है। एसी चलाने का मौसम है ये, और तुझे तो सफाई करते पे मौत आती है ना। जी मम्मी जी, होने भर दिन दा। अच्छा सुन वो तो ला दे। कुछ नहीं मम्मी, भर ले दो पानी कूलर में, भर ले जा। अब क्या करूं, ऑनलाइन ऑर्डर। ₹150 का मंचूरियन ₹300, कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा रहे ये लोग बारिश होने का। अब क्या करूं, छोड़ यार आलू काट के फ्रेंच फ्राइज ही बना लेती हूँ। हे भगवान जी प्लीज बारिश कर दो, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी मेरे लिए रेनकोट ले आना, कल स्कूल जाते जाते पूरी भीग गई थी मैं, और फिर मेरे को जुकाम हो गई और फिर मैं पूरे क्लास में से छी छी करती रही। रेनकोट तो लाना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल वाला तो पता नहीं मैंने कहाँ ही रख दिया। और आज तो मौसम साफ ही लग रहा है, आज नहीं आने वाली कोई बारिश वारिश। रुक तेरा टिफिन लाती हूँ, बेसन का चीला बनाया। ए भगवान जी प्लीज बारिश कर दो ना, मेरे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाय एकदम से काले बादल कैसे छा गए, मौसम भी पूरे ड्रामे कर रहा है। चल तू स्कूल जा वरना लेट हो जाएगी। ये ले मम्मी बारिश आ गई है, मम्मी ड्रेस उतार दो। थम जा थोड़ी देर की बारिश है, साफ हो जाएगा मौसम, बैठ जा चुपचाप। मुझे स्कूल भेज कर ही दम लेगी मम्मी, कोई भी बच्चा नहीं आ रहा होगा स्कूल में। चल अब हल्की हो गई, इतने शूज पहनेगी बंद हो जाएगी। अभी भी पड़ रही है मम्मी, स्कूल जाते जाते पूरा भीग जाऊंगी। दो तीन बूंदे पड़ रही है हल्की हल्की, बह नहीं जाएगी तू,
बहानेबाज कहीं की। और हाँ, बस वाले भैया शिकायतें कर रहे थे तेरी कि तुम्हारी लड़की बस की खिड़की खोल के रखती है बारिश में। चल बस आगे तेरी। घर पर रुकने के बहाने चाहिए बस। मम्मी स्कूल की छुट्टी पड़ गई। हैं? छुट्टियां पड़ गई? ये रुक, कॉल करके पूछती हूँ स्कूल में पहले। मम्मी जाने दो ना, बोल दिया ना बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। मम्मी सारे बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, मुझे भी नहाना है बारिश में। सुनती क्यों नहीं है तू? सीजन की पहली बारिश है, बीमार पड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा मम्मी, बस थोड़ी देर। नो मीन्स नो, अगर कुछ खाना हो तो बता, यहीं पे बना कर देती हूँ घर में। सारे बच्चे बाहर मजे से खेल रहे हैं। मम्मी मुझे कचौरी खानी है। ये हुई ना बात, रुक अभी बना कर देती हूँ गरम गरम। कितनी उमस हो रही है। ये ले खा कचौरी। ये कहां गई? निकल गई ना झूठ बोलकर, गलत संगत में पड़ रही है। आने दो जरा इसे, छुड़वाती हूँ उसकी यारी दोस्ती। नालायक लड़की गई की। अब क्यों आ रही है छिछी करती हुई? पड़ गई ना बीमार? सारे बारी बारी से बीमार होकर आओ, मेरी ड्यूटी लगाओ, है ना? विक्स लगा ले जाकर। बारिशें आ गई। दीप फटाफट बाल्टी लेकर जा और छत पर रखा, बारिश का पानी भर जाएगा। फिर क्या करोगे उसका? वॉशरूम में है नहाने के लिए पानी। नालायक लड़की, मौसम की पहली बारिश है, एसिड वाली, इन्वर्टर में डालेंगे। अब उससे क्या होगा मम्मी? इन्वर्टर की कैपेसिटी बढ़ेगी उससे, और अच्छा काम करेगा। छोटे छोटे काम में मौत आती है तुझे तो, सीरियसली। ये लो, इतनी तेज बारिश हो रही थी, 2 मिनट में पूरी बाल्टी भर गई। ये क्या, हर जगह कपड़े क्यों फैला रखे हैं? गीले कपड़े हैं। हाँ तो यहाँ क्यों डाल रखे हैं? बैठने तक की जगह नहीं छोड़ी आपने। नहीं फिर तेरे सर पे डालूं, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। तो आज ही आपको कपड़े वॉश करने जरूरी थे सारे? अब मुझे क्या पता था बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएगी बारिश। और परसों के हैं कपड़े, आज के नहीं है। हे भगवान, ये माता जी। आए हाय, मेरे टैडी तक पे सलवा लटका दी। तुझे कितनी बार बोला है स्कूटी धीरे चलाया कर? आई मम्मी यार, कितनी बार बोलूं, स्कूटी नॉर्मल स्पीड में ही थी। अब बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ होगी, मैं क्या करूं? स्कूटी को तो बस बहाना चाहिए फिसलने का। ओए तनु, जब स्कूटी चलानी नहीं आंदी, क्यों चलाउंदी है? अभी पापा दी परी बनी फिर दी है, स्कूटी ठोक ठोक को तो बुरा हाल करता, बारिश का तो बहाना है तेरा। तू ना बकवास बंद कर, वरना तुझे ही ठोक दूंगी मैं। रुक, आई आई आई, पल्ला खड़ता जा ठीक नाल। बाहर क्या मस्त वेदर हो रहा है यार, मैं तो फुल डे सोने वाली हूँ, फुल ऑन। चल ठीक है, फोन कट कर, बाय। चलो भाई। अबे यार, अब ये लाइट क्यों चली गई? आ गई, थैंक गॉड। अबे यार, ये बारिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कभी लाइट आती है कभी जाती है, हद है यार, शिट। ऐसे ही सो जाते हैं। क्या करूं यार,
ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, हर जगह पानी भर रखा है यार, 10-10 घंटे का ट्रैफिक लगा हुआ होता है, बिल्कुल मन नहीं है जाने का। बॉस को क्या बोलूंगी, बारिश के वेदर में भी एक्सक्यूजेस की कमी होती है क्या? एक्चुअली सर, मेरे घर के बाहर ना घुटनों तक पानी भर गया है सर, और नॉर्थ साइड तो बहुत हैवी रेन है सर, मैं कैसे आऊंगी? और सर, मेरी तबीयत भी ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अच्छी अच्छी, पर सर अगर आप कहोगे ना तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं आ जाऊंगी, आई विल मैनेज सर। आप अभी रेस्ट करो, कल से कंटिन्यू करना। ओके सर, अगर आप कह रहे हो तो। अच्छी अच्छी, चलो अब रोमांटिक मूवी लगाकर ब्लैंकेट में बैठकर फिटर्स के साथ एंजॉय करते हैं। बारिश का मौसम भी ऑफिस जाके खराब करूंगी क्या? बाबू सुनना, पंखा बंद करा प्लीज। गर्मी लग रही है यार। मी बाबू, पंखा ऑन करा प्लीज। दीदी आप कभी ऑन करवा रहे हो, कभी ऑफ करवा रहे हो फैन। अच्छा, जो तूने सुबह सूसू करके ये पूरा बेड गीला कर दिया था और मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला, उसका क्या? हाँ, और तुझे पंखा ऑन करते पे मौत आ रही है? पंख। मीत, तुझे देखना है आगे क्या होने वाला है। हाँ तो जा जल्दी से इन्वर्टर ऑन कर, गया मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। इन्वर्टर किसने ऑन किया? इन्वर्टर से टीवी देखोगे? मम्मी दीदी ने करवाया। ओए तुझे पता है कल कितनी तेज बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे टप टप करके, और पता है मैंने तो सारे ओले इकट्ठे भी कर लिए थे और बाद में खाए भी थे। हैं? और हमारी छत पे तो पूरे में से पानी भर गया था, हम तो स्विमिंग कर रहे थे, बहुत मजा आया था बारिश में नहा के। हाँ, तू बारिश के पानी में नहाई है? पागल है क्या, जुए हो जाती है बालों में। छी, तुझे तो हो भी गई है, और देख तो सही खुजा भी रही है। देख, मैं नहीं खेलूंगी तेरे साथ। ठीक है, मैं मम्मी को बोलूंगी कि वो ना मेडिकेयर लगा के मेरी सारी जुए साफ कर दे, फिर साफ हो जाएंगी। हाँ बोल दी अपनी मम्मी को, तेरे जुए साफ कर दे, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगी तेरे साथ। मेरी मम्मी मना करती है, जिस बच्चे के जुए हो उसके साथ नहीं खेलना। बिजली कड़क रही है, चल यहाँ से चलते वरना हम दोनों मर जाएंगे। चल। सो यार गाइस, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाकर डाउनलोड करो और 25 रुपीज का वेलकम बोनस पाओ। और वीडियो देखो, एंजॉय करो, बहुत सारा प्यार दो, मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगी।